नमस्ते दोस्तों, इस तरह से किसी भी खिड़की बनाने के बाद आपको ग्लास लगाना पड़ता है। अभी ग्लास लगाने के लिए किस तरह से उसका जो पट्टा है, राबिड है, उसको काटना है रुतार मशीन से, उसको मैं आज काट के दिखाऊंगा। और किस तरह से फिनिशिंग करना पड़ता है, पहले राबिड काटने से पहले किस तरह से खिड़की को फिनिशिंग किया जाता है, उसको ही मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और इस खिड़की को बनाने का पूरा तरीका जो है मैंने पहले ही वीडियो में डाला है, उसको भी जाके देख सकते हैं। अगर कोई न्यू कारपेंटर है तो उसको पूरा देख सकते हैं। और किस तरह से पहले से खिड़की बनाया जाता है उसको भी मालूम हो जाएगा। अभी इस सभी खिड़की पे रबिट कटना है। अभी ये जो बना के रखा है हमने खिड़की, इसमें रबिट कटना है। ग्लास लगाने का काम बाकी है और फिनिशिंग करना है। पहले इस तरह से जो लकड़ी का खिली होता है, लकड़ी का इस तरह का जो खिली होता है, उससे ही हम मार लेंगे पूरा टाइट करके क्लैम्पिस से, इस तरह से देखिए। उसका बाद इस तरह से टाइट करना है। उसका बाद ही ये जो सिंगल रंधा है उससे हम फिनिशिंग करेंगे। इस रंधा से आप फिनिशिंग करने का जो तरीका है मैं बता रहा हूँ। लकड़ी का रेशा जिस तरह से जाते हैं, ठीक उसी तरह आपको ये रंधा को चलाना है, तभी आपका फिनिशिंग अच्छा होगा। उल्टा पुल्टा करके मारने से आपका फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। इस तरह से मैंने अभी फिनिशिंग करके आपको दिखाया है। देखिए किस तरह से मैंने फिनिशिंग किया है। पहले इस तरह से जो सुराई वाला है उसको भी फिनिशिंग करना है, और लंबाई वाला है उसमें लंबा लंबा मारना है। इस तरह से फिनिशिंग करना है, डबल साइड, दोनों साइड में ऐसे ही हाथ से फिनिशिंग करना। कोई कोई मिस्त्री लोग जो प्लेनर मशीन होता है उससे फिनिशिंग करता है, लेकिन उससे इतना फिनिशिंग नहीं होता है। बाद में ये सिंगल रंधा को मार लेते हैं, हम लोग पहले ही जो बड़ा रंधा होता है उससे मार लेते हैं, का लकड़ी को पूरा सीधे कर लेता है, उसका बाद ही ये सिंगल रंधा चलाते हैं। रंधा करके लकड़ी को पूरा, खिड़की को पूरा लेबल कर दिया है, इसमें कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं है। मैंने हाथ से इसको पूरा सेक कर लिया है, ठीक उस तरह ही आप भी इसको सेक कर लेना। उसका बाद ही रुतार मशीन को आप इसमें चला सकते हैं। और जो फोन का साइड है जिसमें बीट को डिज़ाइन बनाएंगे, उस साइड में भी इस तरह से पूरा बराबर होना पड़ेगा। कोई भी एक सूद भी अगर उसा निशा होगा तो आपका जो डिज़ाइन है वो देखने में थोड़ा बुरा लगेगा, इसलिए इसको पूरा लेबल करना पड़ेगा। सभी लोग रुतार मशीन से जो पत्ता निकलते हैं, रबिट बनाते हैं, उसको दिखाते हैं, लेकिन पूरा काम नहीं दिखाते हैं। मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया है, किस तरह से पहले का काम करना पड़ता है, बाद में आपका फिनिशिंग होगा। किसी भी काम का जो पहला शुरुआत होता है उसको ही अच्छी तरह से करना पड़ता है, उसका बाद ही उस काम में आप फिनिशिंग पा सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह से पहले बार ही इस तरह से पूरा लेबल कर लेना है सभी पत्ता को। उसका बाद रुतार मशीन से हम इसमें राबिट कटेंगे। राबिट कटने के बाद भी जो बीट होता है, बीट में थोड़ा थोड़ा रुक जाता है, उसको भी काटना पड़ेगा, उसको तो हाथ से ही काटना पड़ता है। और जो ये मशीन में अभी हमने रुतार बीट लगाया है उसका भी नंबर है और फोटो भी मैंने दे दिया है, देख लीजिए। इस तरह का नंबर है, इस तरह का बीट आता है। और ये जो बीट है, ये बीट को कुछ भी सेटिंग्स करने का ज़रूरत नहीं है। इस बीट को आप फुल पूरा दबा देना और जितना कटेगा आपका ग्लास और साथ में जो बीट होता है वो दोनों अच्छी तरह से आप लगा सकता है, बार से ही पूरा काम हो जाता है। लेकिन इसको धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। मैं अभी रुतार मशीन को चलाऊंगा धीरे धीरे करके। मैं रुतार मशीन को धीरे धीरे से ही चला रहा हूँ, देखिए किस तरह से मैं अभी काम कर रहा हूँ। इस तरह से धीरे धीरे करके इसको चलाना चाहिए, और जब बीट के पास आ जाएंगे तो मशीन को ऊपर उठाना पड़ेगा, इस तरह से ऊपर में उठा देना है थोड़ा, उसका बाद फिर काटना है। इस तरह से पूरा खिड़की में
मार देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम अच्छा होगा। और बाद में जो रुक जाता है थोड़ा थोड़ा, उसको हाथ से काटना पड़ेगा। काम करने से पहले आँखों में सेफ्टी गगल्स पहन लेना चाहिए, पूरा धूल हो जाता है। एक खिड़की मारने के बाद आप देख भी नहीं पाते हैं, इस तरह का धूल निकलता है, इसलिए आँखों में सेफ्टी गगल्स ज़रूर पहनना। देखिए अभी एक खिड़की का काम हो जाएगा, बीच में थोड़ा थोड़ा जगह रुक जाएगा, उसको हाथ से अच्छी तरह से काट देने से पूरा फिनिशिंग हो जाएगा। अभी इस खिड़की का काम हो गया है, देखिए बीच के जगह में थोड़ा थोड़ा रुक गया है, इसे ही थोड़ा थोड़ा रुक जाएगा, बाद में अच्छी तरह से हाथ से काट के आप फिनिशिंग कर सकते हैं। देखिए किस तरह से रुक जाएगा, थोड़ा थोड़ा हाफ इंच होगा, इतना सा रुक जाता है। खिड़की को राबित कटिंग करने से पहले एक कीला ठुक लेना पड़ता है कि खिड़की इधर उधर ना हो। कील को पहले इस तरह से टाइट कर लेना पड़ेगा, देखिए किस तरह से कीला ठोका है हमने, खिड़की को पूरा टाइट कर लिया है, इधर उधर नहीं हिलता है। अगर कीला नहीं ठोकेंगे तो एक आदमी पकड़ना पड़ेगा, और जो पकड़ेगा उसका पूरा धूल धूल हो जाएगा, इसलिए एक कीले ठोक लेना। अभी हो गया है, और कॉर्नर में जो रुकता है इसको गुनिया लेके ऐसे धागी लगा के आप काट देना, तभी तो आपका पूरा खिड़की का रबिट काटने का काम पूरा हो जाएगा। अभी इसकी खिड़की का काम हो गया है। इस तरह के जानकारी दोबारा मिलने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को भी दबा देना, और थोड़ा सपोर्ट करना इस चैनल को। किस तरह से हम लास्ट में फिटिंग करेंगे, ग्लास लगाएंगे, उसका भी वीडियो मैं डालूंगा ज़रूर।